कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों को बेचने और अवैध रूप से गोद लेने का मामला सामने आने के बाद सरकार हरकत में आ गई है। इस मामले के सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने दोनों संभागों के लिए एक समिति का गठन किया है और ये समिति सभी जिलों में अनाथों की जानकारी जुटाएगी। असल में जिला पुलवामा के पांपोर में एक मामला सामने आया जिसमें बच्चों को बेचने और अवैध रूप से गोद लेने की खबर ऑनलाइन जारी हुई। इसमें एक एनजीओ ने दो लोगों पर गंभीर आरोप लगाए जिसका संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ पांपोर थाने में मामला दर्ज कराने और कार्रवाई करने की हिदायत दी। इस घटना के सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर में कोरोना महामारी की वजह से यतीम हुए बच्चों का पूरा ब्यौरा केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराने के साथ ही ICPS निदेशालय को भी ये डाटा उपलब्ध कराने को कहा गया है।